सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों के मान्यता के लिए एनओसी जारी करने संबंधित बैठक मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी केवीएन पांडेन, अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार सिंह, संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र नारायण सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह भदौरिया सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूलों की मान्यता में आ रही दिक्कतों को दूर करने संबंध में चर्चा की गई। इसका दूसरा निर्णय तो नियम कितने केसेस पेंडिंग है जिलाधिकारी सर? सर कुल 26 केस है सर। सब एक केस में एक रिमाइंडर भेज दीजिए सर। सर आपके यहाँ कुछ केसेस तय होंगे बताइए। आज की इस बैठक में सभी का स्वागत है। कुल 11 प्रकरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं और कुशीनगर के साथ है। और इसके अलावा इससे टोटल जितने आपके पास प्रस्ताव आए हैं जी सर, आप इस बार जो आप कागज बनाएंगे तो ध्यान में नोट कर लें। जितने आपके पास प्रस्ताव आए हैं जी सर, लेकिन इसमें कभी कभी ये कंप्लेंट बहुत आती है कि मेरा प्रस्ताव दिया था लेकिन इसको उत्तर नहीं सर। सर वो ठीक है, हमारी सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि हम हर कागज में सबसे पहले ये देखें कि ये स्कूलों के प्रस्ताव इस तारीख को प्राप्त हुए। जिनकी जिलाधिकारियों से नहीं आई है उसका तुरंत भेज दीजिए। बहुत टाइम हो सकता है उन लोगों को पता चल जाएगा ना, हो सकता है रिपोर्ट आ गई हो कहीं पड़ी। कार्यरत में ये आना चाहिए कि इतने प्रस्ताव हमारे टेबल पर हैं, सो दैट ये कल पर हमारे सामने केस ना आए कि भाई हमने दिया था और ये नहीं हो पाया, ये दिया था ये पेंडिंग। जो पेंडेंसी है उसका पेंडेंसी का कारण भी होना चाहिए। सभी लोग जो भी समिति के मेंबर हैं उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, आपको मीटिंग जितनी करानी है मेरे स्तर पर करा लीजिए। आपके एक केस भी यदि परिपक्व हो गया है आप मीटिंग करा सकती हैं। उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, वो 1991 और 2009 वाले जो हैं उनके, वो प्लस सीबीएसई बोर्ड का आपका कब का है? अक्टूबर 2018 का है जी सर। वो सीबीएसई स्कूल्स के लिए ये तीनों शासनादेशों से ये लोग कंप्लाई करेंगे। इसका आप वो भी ले लें, एक शपथ पत्र ले लें कि आप ये लिखते हैं कि ये शासनादेश में जो भी उल्लिखित है और जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी सुसंगत आदेश शासनादेश हैं उसका मैं अनुपालन करूंगा। और यदि अभी भी ये पाया जाता है कि वो अनुपालन नहीं हुआ है तो फिर मेरा जो एनओसी है वो आप जो है कैंसिल कर सकते हैं। Thank you.